ओम शांति। तो आप सभी चार दिनों से राजयोग और आत्मसत्ता, परम सत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और कल आप सभी ने राजयोग मेडिटेशन क्या है, उसका आधार क्या है, विधि क्या है और विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। हम सभी एक चैतन्य शक्ति आत्मा, आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, है ना? और ये जाना कि जो आधार है इसका, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति, है ना? अब अगर हम आपको कहते हैं कि आप रोज मेडिटेशन कीजिए और ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि 5 मिनट का बॉइलिंग टेम्पर पर गुस्सा हमारी 2 घंटे कार्य करने की शक्ति को नष्ट करता है और 20 मिनट का पावरफुल मेडिटेशन हमारी 8 घंटे की थकान को, या कहें 8 घंटे की नींद को पूरी करता है। आप कहेंगे कि मेडिटेशन हम करते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या लाभ है, क्योंकि बिना लाभ के तो हम कुछ करना नहीं चाहेंगे। तो आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस भी फील्ड से हम जुड़े हुए हैं, जैसे मीडिया से, तो निश्चित रूप से कार्य का जो लोड है वो बहुत ज्यादा रहता है। चाहे एक बिजनेसमैन हो, चाहे एक हाउसवाइफ हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, सभी अपने अपने तरीके से इस सोच को रखते हैं कि मेरे को जितना कार्य है और थकान है शायद दूसरे को वो नहीं होगी, हमारा फील्ड ऐसा है। तो निश्चित रूप से हमारा गृहस्थ जीवन और जिस भी कार्य से हम जुड़े हुए हैं उस कार्य के क्षेत्र में हमें सफलता की प्राप्ति, सफलता की अनुभूति हो, उसके लिए 24 घंटे में से हमको 1 घंटा स्वयं के लिए जरूर देना चाहिए। लेकिन ज्यादातर भाई बहन ये कहते हैं कि समय नहीं मिलता, है ना? अगर आपसे भी कहें कि 5 दिन आप लोगों ने यहाँ पर क्लासेस की, आप जब अपने अपने क्षेत्र पर पहुंचे तो 24 घंटे में से 1 घंटा या आधा घंटा जरूर निकालिएगा। कौन कौन निकाल पाएगा? अच्छा, सभी, बहुत अच्छा है। और अगर आपने समय निकाला, जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा का जो भोजन है वो है पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन। क्योंकि बिना पॉजिटिव थॉट्स के मेडिटेशन नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप यहां पर पहुंचे हैं और उसके पहले ही आप जिस रूम में थे, तो उस रूम में जो आपके साथ थे पार्टनर, उन्होंने आपको कुछ शब्द ऐसे कह दिए, लेकिन आपको था कि ठीक 7 बजे ये सत्र प्रारंभ हो जाएगा। इच्छा तो हुई बोलने की, कुछ पलट करके जवाब देने की, लेकिन लगा कि चलो नहीं बोलते, आकर के आप बैठ गए। यहाँ पर कमेंट्री चल रही है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और सुन तो रहे हैं कानों से, लेकिन आपको याद आ रही है उनके बोल की
कि उन्होंने मुझे ये शब्द बोले। अब मैं बोल तो नहीं पाया, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि 8:30 के बाद फिर जब नाश्ता करके रूम में पहुंचेंगे तो वो मिलेंगे, उसके बाद हम उनको ऐसा ऐसा कहेंगे। तो देखिए, बातचीत तो चल रही थी, लेकिन किसके साथ चल रही थी? उस व्यक्ति के साथ जिसको जवाब देना है। इधर शांत स्वरूप आत्मा सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं तो अशांत स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि बोल नहीं पाए थे उनको। तो मेडिटेशन और पॉजिटिव थॉट्स से फायदा ये होता है कि हमारी सोचने की प्रक्रिया में परिवर्तन आता है, कि वो अपना कार्य कर रहा है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव थॉट्स में रहती हूँ तो सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हो रहा है। और जैसे जैसे पॉजिटिव थॉट्स का पल्ला भारी होने लगता है, नेगेटिविटी ऑटोमेटिक समाप्त होने लगती है, और पॉजिटिव थॉट्स के माध्यम से, कंसंट्रेशन के माध्यम से, फिर जो हम कर्म करते हैं, कर्म के क्षेत्र में हमें सफलता की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आप सामने के चित्र में देख रहे हैं कि किस प्रकार जब हमारा बुद्धि का योग उस परम शक्ति के साथ जुड़ता है तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन के अंदर अष्ट शक्तियों की प्राप्तियों का अनुभव होता है। जैसे आप देखते हैं कि अभी नवरात्र आ रही है, दुर्गा माँ बैठेगी तो उनकी कितनी भुजाएं बताई जाती हैं? अष्ट भुजाएं हैं। अब इन सभी बातों के पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। किसी की अष्ट भुजाएं तो नहीं हो सकती, तो ये अष्ट भुजाएं वास्तव में अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। हम शिवरात्रि मनाते हैं और नवरात्रि मनाते हैं, तो कहते हैं कि शिव सोया तो शक्तियां भी सो गई, और शिव जागे तो शक्तियां भी जाग गई। हमारे भीतर बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कहा जाता है कि हम अपनी शक्तियों का केवल 10% भाग यूज करते हैं और 90% भाग सोया हुआ है। तो मेडिटेशन और पॉजिटिव थॉट्स ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे हमारी सुषुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। तो ये कलयुग की घोर रात्रि है, और इस समय जब परम पिता परमात्मा शिव की याद से एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है हमारे भीतर, तो हमारी सुषुप्त शक्तियों का संचार हो जाता है। तो आप देखते होंगे कि जो अष्ट भुजाएं बताई जाती हैं, तो उसमें एक हाथ में बताया जाता है स्वदर्शन चक्र। तो आपने स्व का दर्शन किया ना, जाना ना कि हम कौन हैं, स्व का दर्शन किया। जब स्व का दर्शन हुआ तो एक हाथ में बताते हैं गदा। गदा ज्ञान और योग की शक्ति का प्रतीक है, जिससे हमारे अंदर विकारों को खत्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। जैसे देखिए, हम सभी है ना, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछती हूँ कि किसको किसको क्रोध आता है, वो हाथ उठाइए, है ना, सभी हाथ उठाएंगे। अब मैं दूसरा सवाल करती हूँ कि किसको किसको गुस्सा करना बहुत अच्छा लगता है, कि वाह
आज मैंने गुस्सा किया इसके ऊपर, बड़ा मजा आया, वो हाथ उठाई है, नहीं ना? सब कर रहे हैं हाँ? लेकिन गुस्सा करने के बाद हमें आनंद की अनुभूति नहीं हुई, मतलब वो हमारा ओरिजिनल गुण नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। तो जब यथार्थ रीति हम स्व का दर्शन करते हैं, तो जो ज्ञान और योग का गदा है उससे हम बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या घृणा द्वेष, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि इस आध्यात्म के क्षेत्र में, जैसे देखिए आप सभी ने हाथ उठाया कि हम एक घंटा जरूर देंगे 24 घंटे में, लेकिन सबसे बड़ा विकार जो आपको अटैक करेगा वो कौन सा रहेगा? आलस्य, आलस्य। अब आप इस सीन को याद करिएगा कि मैंने हाथ उठाया था कि मुझे एक घंटा देना है। निश्चित रूप से आप लोग रात को बहुत जागते हैं, है ना? अब आपको वो 24 घंटे में से सेटिंग करनी होगी, लेकिन अगर आलस्य आया तो ये आलस्य फिर और विकारों को आमंत्रित करेगा ना, तो इसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अगर हम अपने अंदर से ईर्ष्या घृणा द्वेष क्रोध लोभ अहंकार इसको समाप्त करना चाहते हैं, तो हमें ज्ञान और योग की शक्ति के लिए आलस्य को छोड़ना होगा। तब आप क्लास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और एकाग्रता बढ़ेगी, और उसके आधार पर फिर आप बुराइयों को खत्म कर पाएंगे। तो देखिए, जब कोई घर में मेहमान आते हैं तो जाते समय उनको सौगात दी जाती है ना, तो आज अष्ट शक्तियों के रूप में शिव बाबा के घर से ये आपको सौगात दे रहे हैं। डायरी पेन मिली होगी, फोटो मिला होगा, लेकिन ये सौगात आपके साथ हमेशा हमेशा रहेगी। फिर तीसरे हाथ में देवी के कमल पुष्प बताया जाता है। कमल पुष्प अर्थात आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप सब कुछ छोड़ के, मीडिया का क्षेत्र छोड़ करके आप जंगल में चले जाइए, नहीं, आपको कहा जा रहा है वहीं रहिए, लेकिन आपका जीवन हो कमल पुष्प के समान। जैसे देखिए, कमल का पुष्प रहता तो कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ में रहते भी उसमें कीचड़ का दाग नहीं लगता। वैसे हमें रहना तो इसी दुनिया में है, लेकिन इस दुनिया में रहते भी सकारात्मकता हमारे जीवन में इतनी आ जाए कि उस नकारात्मकता का प्रभाव न पड़े। निश्चित रूप से आप जो न्यूज कलेक्ट करते हैं, पड़ला किसका भारी है? नेगेटिविटी का, है ना? कुछ पॉजिटिव दी जाती है न्यूज, और असर पड़ जाता है हमारे ऊपर नकारात्मकता का। अब उसमें कमल पुष्प के समान मेरी स्थिति हो जाए, इसीलिए आप देखेंगे कि देवी देवताओं के हर अंग की तुलना कमल पुष्प से की गई है। कमल नैन, कमल हस्त, कमल चरण। तो इस दुनिया को देखते भी उपराम नकारात्मकता हावी ना हो। फिर एक हाथ में बताते हैं देवी के शंख। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया कर्मी जैसे शंख ध्वनि कर सकते हैं, शायद दूसरा फील्ड वो नहीं कर पाएगा, है कि नहीं?
और देखिए अभी जितने भी यहाँ पर भाई बहन बैठे हुए हैं वो ये सोच लें कि मुझे दिन भर में कम से कम 5 लोगों को या जो आप पेपर में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी बातें दे रहे हैं कुछ ऐसा चिंतन दे जिससे सामने वाले की सोच में परिवर्तन आए। जैसे देखिए बंगाली फैमिलीज में सुबह और शाम ना, 3 बार शंख ध्वनि की जाती है ना? इसके पीछे क्या रहस्य है? स्कूल में भी जब टीचर स्टूडेंट्स को कोई बातें समझाते हैं तो कहते देखो एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3री बार समझा रहे हैं, उसके बाद नहीं समझाएंगे, है ना? ऐसी जब आप अपने शहर में जाएंगे दीदी आपको कभी फोन करेगी कि आइए सेंटर पर आइए, 2री बार किया, 3री बार किया, 4थी बार क्या लगेगा दीदी को? शायद इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, नहीं बुलाते। लेकिन वो 3 बार जो किया आपके भीतर जागृति आई और इस विचार जो हमारे यहाँ नियमित रूप से पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस होती हैं, जिसको हम मुरली कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में, तो जब हम वो रोज सुनते हैं मेडिटेशन करते हैं तो हम भी शंख ध्वनि करना शुरू कर देते हैं। आपने 4 दिन से उषा दीदी, गीता दीदी जी, शीलू दीदी जी, सविता दीदी जी सबके द्वारा जो क्लासेस की आप देख रहे होंगे, कोई सामने बुक नहीं है, बस निकल रहे विचार वो, इसके पीछे क्या रहस्य? कई लोग पूछते हैं कि दीदी आप लोगों के भीतर इतना ज्ञान कहाँ से आया? तो ये ज्ञान ज्ञान सागर परमात्मा दे रहे, हमारा ज्ञान नहीं है। तो सोचिए हमारा टीचर कितना श्रेष्ठ है जो हमें शंख ध्वनि करना सिखा रहे हैं। कैसे करना है? उस सत्य ज्ञान को पहुंचाना है। फिर एक हाथ में है ना देवी के तलवार बताई जाती है, तलवार भी कोई किसी का गला नहीं काटना है, कोई देवियां किसी का गला नहीं काट रही थी, लेकिन ज्ञान योग की शक्ति से आसुरी वृत्तियों का गला काटना है, ठीक है? तलवार, त्रिशूल, एक हाथ में त्रिशूल बताया जाता है। वर्तमान समय संसार 3 प्रकार के शूलों से गुजर रहा है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, और इन 3 प्रकार के शूलों से छुटकारा हमें आध्यात्मिकता ही दिला सकती है। आध्यात्मिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। फिर एक हाथ में बताया जाता है तीर कमान। तीर कमान को खींचने का एक तरीका होता है कि हम उसको 6 इंच पीछे की ओर खींचते हैं तो वो अपने लक्ष्य का भेदन कर लेता है। उसी प्रकार मेडिटेशन में हमें 6 इंच पीछे की ओर जाना है, यानी आत्मस्वरूप का अनुभव करना है, परम सत्ता का अनुभव करना है। और फिर जब हम कर्म के क्षेत्र में आते हैं तो कर्म के क्षेत्र में हमें सफलता की अनुभूति होती है। फिर 8वां हाथ वरद हस्त देने वाले, जिसके पास जो होता है ना वो दूसरों को वही देता है। जिसके पास ईर्ष्या घृणा द्वेष होगे वो दूसरों को वही बांटेगा, और जिसके भीतर प्रेम होगा, आनंद होगा, खुशी होगी, वो दूसरों को वही बांटेगा। 5 मिनट किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप रह जाइए जिसके भीतर काम विकार की अति है, क्रोध की अति है। आप महसूस करेंगे कि वो क्रोध के वाइब्रेशन आपके भीतर भी
आने लग गए। कोई प्रेम से भरपूर है, आनंद से भरपूर है, आप उसके साथ 5 मिनट बैठते हैं, आप कहते हैं कि आपके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का जो सकारात्मक ओरा है वो 5 मिनट के अंदर हमें प्रभावित कर जाता है। तो सोचिए अगर रोज ऐसा संग मिले तो आत्मा की बैटरी चार्ज होगी कि डिस्चार्ज होगी? है ना, चार्ज हो जाएगी। तो इसीलिए आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमारे भाई बहन जो यहाँ एक बार जुड़ते हैं उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि जीवन में खुशी आनंद का अनुभव यदि करना है तो ये रहस्य समझ में आ जाता है कि ठीक है भौतिक सुख चाहिए, लेकिन भौतिकता के होने के बाद भी अगर जीवन में आनंद नहीं है तो उसका रास्ता कोई और है। और जो मिसिंग डायमेंशन है वो हमें समझ में आ जाता है तो उसके लिए फिर हम यथार्थ समय देते हैं और अपने जीवन में ये अष्ट शक्तियों की अनुभूति स्वतः ही होने लगती है। तो देखिए बीच में बताया एक राजयोगी को, आपको दीदी ने बताया ही होगा, कोई सफेद वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, ये मन के सशक्तिकरण की बात है। तो जब उस सूर्य के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ता है, जैसे देखिए कीटाणु है, कीटाणु भस्म कैसे होते हैं? जैसे कोई चीज घर में खराब होती है, अचार में कीड़े लग रहे हैं या कुछ चीजें खराब होती हैं, रजाई गद्दे स्वेटर हम सब क्या करते हैं? धूप में सुखा देते हैं। कोई सूर्य के सामने वहां जाके नहीं रख रहे हैं, लेकिन धूप में सुखाया तो ऑटोमेटिक कीटाणु नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे शिव बाबा परमात्मा परम धाम का रहने वाला, लेकिन जब हम आत्माएं ये अनुभव करती हैं शरीर के माध्यम से कि ज्ञान सूर्य परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश को लेंस में एकत्रित करते हैं तो नीचे का कागज जल जाता है क्योंकि वो किरणें कॉन्सेंट्रेट हो गई, वैसे जब परमात्मा के साथ हमारा बुद्धि का तार जुड़ता है तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर जो बुराइयां हैं विकार हैं वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए कोई अलग से प्रयत्न नहीं किया जाता। जैसे देखिए कई बार लोग कहते हमें कि दीदी हमारे जीवन से ये बुराइयां निकल नहीं पा रही, क्या करें? जैसे एक उदाहरण देती हूँ आपको कि एक बच्चा है, एक बच्चे ने अपने हाथ में ब्लेड पकड़ा हुआ है या चाकू पकड़ा हुआ है। बच्चे को इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये ब्लेड से या चाकू से मेरा हाथ कट जाएगा। उसकी माँ आती है, देखती है, अगर माँ जोर से चिल्ला दे तो हो सकता है वो और भी टाइट पकड़ ले। माँ उसके सामने उससे बेटर चीज रख देती है, फ्रूट डॉल स्वीट, तो बच्चे का आकर्षण उस चीज से हटकर उस चीज में चला जाता है, वो छोड़ देता है ब्लेड को। ऐसे हमारे जीवन में है बुराइयां, लेकिन उन बुराइयों को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि बस सूर्य के नीचे बैठ जाओ और ऑटोमेटिक जो शिव बाबा शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, तो हमारे अंदर भी वो शांति आनंद प्रेम उतरेगा। जैसे देखिए बाल्टी है, बाल्टी में कचरा भरा हुआ है, कचरे को निकालने का तरीका क्या क्या हो सकता है?
मान लीजिए पहले हम कचरा निकालते फिर बाल्टी में स्वच्छ जल भरते, उसके बजाय यदि हम नल को फुल फोर्स में चालू कर दें तो क्या होगा? कचरा ऊपर आएगा, बाहर निकल जाएगा और बाल्टी में स्वच्छ जल भर जाएगा। उसी प्रकार नकारात्मकता का कचरा भरा हुआ है हमारे अंदर, लेकिन आप पॉजिटिव थॉट्स का और मेडिटेशन का नल फुल फोर्स में क्या कीजिए, चालू रखें, तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिक खत्म होती चली जाएगी और सकारात्मकता से हमारा जीवन भरपूर हो जाएगा। तो सबसे पहली शक्ति जो हमें अनुभव होगी वो शक्ति है पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, हमसे कोई कहता है कि अरे वो जब आपको बोल रहा था ना तो आपको क्या रहना था, शांत रहना था, आपने क्यों बोला? उसने दो बोला, मैंने चार बोला, फिर उसने छह बोला, मैंने आठ बोला, बातें क्या हुई, बढ़ती चली गई। और एक स्थिति ऐसी आई कि कई बार ऐसा लगा कि कितना सहेंगे हम, क्या हमें ही सहना है? तो इसलिए राजयोग मेडिटेशन हमें ये अनुभव कराता है कि आपको कब कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है। हमेशा आपको ही सहन करना है ऐसी बात नहीं है, है ना? जब फेस करना है तब फेस कीजिए और जब टॉलरेट करना है तब टॉलरेट कीजिए, लेकिन व्यक्तियों का सहन कीजिए और परिस्थितियों का सामना कीजिए। हम क्या करते हैं, परिस्थिति को सहन करते हैं और व्यक्तियों का सामना करते हैं, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। तो मेडिटेशन से हमको ये तुरंत अनुभव होता है कि अभी मुझे इस शक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण बताया कि ये लड़का आम के वृक्ष को पत्थर मार रहा है, उल्टे में ये पत्थर नहीं मारता, मीठे मीठे फल देता है। ऐसे ही जो व्यक्ति जितना दिव्य गुणों से पल्लवित होता है वो उतना ही झुका हुआ होता है। तो कहते हैं ना कि झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। तो देखिए, एक मुझे पौराणिक कथा याद आती है कि एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पधारे। उस समय विश्वामित्र का स्टेटस बहुत ऊंचा था, तो वशिष्ठ ऋषि ने उनका स्वागत किया कि आइए राज ऋषि आइए। तो विश्वामित्र के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची, वो बाहर निकले और वशिष्ठ ऋषि के बच्चे बाहर खेल रहे थे, उनको बहुत मारा और छिप करके प्रतिक्रिया देखने लगे कि अब वशिष्ठ ऋषि की प्रतिक्रिया मेरे प्रति क्या होती है। शाम का समय था, पूर्णमासी का चांद खिला हुआ था, वशिष्ठ ऋषि अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। तो वशिष्ठ ऋषि की पत्नी ने कहा कि आज कितना सुंदर तेजोमय चांद खिला हुआ है। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि हाँ, जैसे विश्वामित्र का तेज है वैसे आज चांद अपनी संपूर्ण अवस्था में है। विश्वामित्र को बहुत खराब लगा, उन्होंने वो बात सुन ली, वो बाहर निकले और वशिष्ठ ऋषि के पैरों में गिर पड़े।
तो वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें उठाते हुए कहा कि उठिए ब्रह्म ऋषि उठिए। तो विश्वामित्र ने कहा कि सुबह ही कह देना था ना, आइए ब्रह्म ऋषि आइए, तो कम से कम मैं इतना घोर पाप तो नहीं करता, आपके बच्चों को तो नहीं मारता। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि सुबह तक तो आप राज ऋषि ही थे, ब्रह्म ऋषि आप इस वक्त बने हैं। जब आपके अंदर वो सहनशीलता और प्रेम की भावना जागृत हुई है, तो सहन हम करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सहन करते 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 अंदर की शीतलता है ना, वो गायब हो जाती है। आपने बॉयल फ्रॉक का उदाहरण सुना होगा कि मेंढक के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को बाह्य वातावरण के साथ एडजस्ट करता है। हमने उसको पॉट में रखा और पानी को हीट करना शुरू किया। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है, मेंढक अपना टेम्परेचर क्या करता है, एडजस्ट करता चला जाता है। लेकिन जब लास्ट डिग्री में पानी पहुंच जाता है, तब मेंढक के अंदर ये ताकत नहीं रहती कि वो पॉट में से कूदकर बाहर जा सके। उसी प्रकार हम भी एडजस्टमेंट की कोशिश करते रहते हैं फैमिली में, वर्क प्लेस में, और जब एडजस्ट करते करते एडजस्टमेंट की ताकत खत्म हो गई तो क्या लगता है, जीवन ही समाप्त हो जाए तो अच्छा है, जीने की इच्छा नहीं है, ऐसे कहते हैं, है ना। तो सहन तो करें लेकिन शीतलता के साथ, अंदर की शीतलता गायब ना हो। वो शीतलता कैसे बनी रहती है, जब हम शांति के सागर परमात्मा से वो शांति की अनुभूति करते हैं। जैसे जो शुरू में आ गए थे, आपने कितने देर मेडिटेशन करा, मैं कमेंट्री दे रही थी, लगभग कितने देर किया होगा बताइए, जो शुरू में आ चुके थे कितने देर हुआ, 5-2-3 मिनट, आप 3 मिनट, 15 मिनट किया आपने, 15 मिनट किया, समय का पता नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्यों नहीं चला, हाँ, तो आप वो शांति की अनुभूति कर रहे थे। अब देखिए, ये 15 मिनट किया हमने, अब ये शांति जब हमारे अंदर उतर गई, आपको तुरंत अभी क्रोध करने की इच्छा होगी, नहीं। ऐसी गहरी अनुभूति सुबह शाम चलती रहे और कर्म के क्षेत्र में मुझे बार बार ये याद आता रहे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो क्रोध ऑटोमेटिक खत्म होगा ना। जैसे देखिए, नया साल है या दिवाली का समय है, आपको वॉशिंग मशीन लेनी है, आप जाते हैं मार्केट में, आप देखते हैं कि वॉशिंग मशीन के साथ मिक्सी या प्रेस फ्री में मिल रही है, तो आप और अट्रैक्ट होते हैं, कहते हैं नहीं, वॉशिंग मशीन ले लेनी चाहिए क्योंकि मिक्सी फ्री में मिल रही है, ले लिया आपने। ऐसी आपको बताती हूँ कि जो आत्मा के 7 गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, अगर इसमें से आपको एक गुण की भी अनुभूति होती है, तो उसके पीछे पीछे 6 गुण गिफ्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। सस्ता सौदा है ना, महंगा तो नहीं है, है ना। तो मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर बताती कि मैं परमात्मा के साथ प्रेम की अनुभूति बहुत ज्यादा करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे
इस प्रेम के गुण की अनुभूति करना। बचपन से सुनती थी कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, सीस उतारे भूई धरे तब बैठे घर वाही। यानी परमात्मा का घर प्रेम का घर है। अहंकार को उतार करके रखना पड़ेगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी पोजीशन ये है। इससे आपको ऐसा लगेगा कि खुद आप भारी हो रहे हैं, हल्केपन की अनुभूति नहीं होगी। कई बार किसी को मुस्कुराने में भी बड़ी तकलीफ है। क्यों? क्यों? क्योंकि अंदर जो मैं है, एक मैं बहुत अच्छा है, प्रेम स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, और एक मैं पोस्ट पोजीशन धन दौलत इसको लेकर के हैं। और ये मैं अहंकार को उत्पन्न करता है, और जब ये अहंकार आता है, प्रेम खत्म होता है, तो सहनशीलता नहीं रह सकती। इसीलिए अगर हम जीवन में सहनशील बनना चाहते हैं, तो जो गुण है प्रेम, उस गुण को अपने जीवन में स्थान देना होगा। हर शक्ति के साथ एक एक गुण जुड़ा हुआ है। तो सहनशीलता, सहन शक्ति, ये प्रेम के गुण के आधार पर हमारे जीवन में पुष्पित पल्लवित होती है। ठीक है। दूसरी शक्ति मेडिटेशन के माध्यम से जो हमारे अंदर आती है, वो है पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। सबसे अधिक समाने का गुण समुद्र में होता है और माँ में होता है ना? समुद्र होता है, पूरा कूड़ा करकट अपने अंदर समा लेता है या किनारे कर देता है। एक माँ होती है, जानती है कि मेरी बच्ची के द्वारा या मेरे बच्चे के द्वारा कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जो मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन माँ क्या करती है? कोई बातें चल भी रही है तो कहेंगे धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन अगर पड़ोस का बच्चा कोई ऐसी गलती करता है, तो जब तक 50 को न बता दे, 100 को न बता दे, चैन नहीं पड़ता है ना? क्या किया हमने? कचरे को फैलाया। आप हमेशा जब घर को साफ करते हैं, झाड़ू करते हैं, तो कचरे को क्या करते हैं? बाहर निकालते ना, फेंक देते हैं ना। आज हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रदूषण है मानसिक प्रदूषण। हम ये नहीं कहते, आज आप मीडिया वाले हैं तो निश्चित रूप से इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी, है ना? जो घटनाएं हो रही है देश में और नकारात्मक हो रही है, तो खबरें तो देंगे ना आप। लेकिन बहुत अच्छी बातें चल रही थी हम सभी के लिए, आप लोग के लिए भी, सबके लिए, कि बार बार जब वो दृश्य दिखाया जाता है, तो वो दृश्य हमारे मानस पटल पर छप जाता है। दिल्ली में भी जो कांड हुआ, अब देखिए, किसी को भी जो आरोपी है उनका नाम याद नहीं होगा, जो भी 4-5 आरोपी होंगे, लेकिन जिसके साथ गलत कर्म हुआ उसका नाम सबके जुबान पर है। क्यों? क्योंकि बार 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 वो दृश्य देखा, सुना, बार बार उसका नाम आया। लेकिन आज उनके तो हमको चेहरे भी नहीं याद होंगे जिन्होंने वो गलत कर्म किया। तो होता क्या है कि नकारात्मकता को जो फैला रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जरूर 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 दें, लेकिन उसका तरीका ये होना चाहिए कि जो समस्या है
उसका समाधान क्या है, जो कारण है उसका निवारण क्या है। कचरे को इतना न फैला दें कि दूसरा व्यक्ति भी उस गलत तरीकों को सीख करके वैसे कर्म करना शुरू कर दे। ये बातें दुनिया में बहुत हो रही हैं। तो मेडिटेशन से देखिए, इसलिए आज का विषय आपका ये रखा गया ताकि जब आप यहाँ से जाए भी, क्या करना है क्या नहीं करना है हमें, तो ये पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति भी हमारे भीतर होनी चाहिए। जब इंसान अपने आप को उस आनंद की अनुभूति की ओर ले जाता है, परमानंद की अनुभूति की ओर ले जाता है, तो उसको ये अनुभव होता है कि ये सारा विश्व मेरा परिवार है। विश्व बंधुत्व की भावना हमारे भीतर जागृत होती है कि केवल मेरी बहन नहीं है, केवल मेरा भाई नहीं है, लेकिन पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो आज हमारे ब्रह्मा बाबा थे, उनके अंदर ये भावना कितनी प्रबल थी, और आज भी वो प्रबलता पूरे ब्रह्मा कुमारी में कार्य कर रही है कि हमें एक के लिए नहीं करना है, सबके लिए करना है। और अगर किसी के अंदर अवगुण है, बुराई है, तो बुराई को खत्म करने का तरीका ये नहीं होता कि हम बार बार उसको दोष दें, लेकिन उसकी अच्छाइयों का वर्णन करके उसकी बुराइयों को नष्ट करें। ये है समाने की शक्ति। ठीक है, अब ये समाने की शक्ति के लिए हमारे भीतर कौन सा गुण होना चाहिए? गंभीरता का गुण, जैसे सहन करने के लिए प्रेम का गुण, ऐसी समाने के लिए गंभीरता। ज्यादातर बहनों के लिए बात कही जाती ना कि इनके पेट में कोई भी बात नहीं पचती है, है ना? किसी ने एक बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया था और उसको फर्स्ट प्राइज मिली थी कि दो स्त्रियां बैठी हुई थी लेकिन वो चुप बैठी हुई थी। ये चुटकुला फर्स्ट नंबर पर आया था, है ना? क्योंकि स्त्रियां कभी भी चुप नहीं बैठ सकती हैं, है ना? तो गंभीरता बहुत चाहिए। जिसके अंदर गंभीरता नहीं हो, जैसे आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देती कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा भीड़ होती है? जिसके पास नेगेटिव न्यूज का कलेक्शन बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि उस फील्ड का भी मुझे अनुभव है, प्रिंसिपल रही तो देखती थी कि जो मैम मतलब सुबह सुबह अखबार पढ़ करके आती है, कहीं नहीं पढ़ पाते होंगे, लेकिन जो पढ़ करके आई है और वो सबको बता रही है, तो उसके पास भीड़ बहुत ज्यादा रहती थी। ठीक है, हमारे पास भीड़ कम रहेगी क्योंकि मालूम है पॉजिटिव ही देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मॉर्निंग में पॉजिटिव क्लासेस होती हैं जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो गंभीरता चाहिए कि हम नकारात्मकता को ऐसा न फैलाएं जिससे ये प्रदूषण बढ़ता चला जाए। आप कहेंगे कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है? नहीं, बहुत कुछ कर सकता है, ये हमारे जीवन का अनुभव है। अकेले बढ़े थे लेकिन कारवां बढ़ता चला गया। हा? तो ये दूसरी शक्ति हमारे भीतर आती है, पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। तीसरा, परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए, कई बार आपको आपके जीवन में अनुभव हुआ है कि सामने वाले को मैं परख नहीं पाया और उसने मुझे फिर धोखा दे दिया। किसको किसको ये अनुभव है बताइए, हाथ उठाइए। और धोखा देने वाले अपने ही थे, जिनको आप बहुत अपना समझ रहे थे, निकट का, कि इस व्यक्ति से तो मुझे धोखा कभी मिलेगा ही नहीं, वो व्यक्ति था। किसके किसके साथ ऐसा हुआ? हुआ ना? फिर क्या होता है जब धोखा मिलता है? पश्चाताप की लहर आती है। फिर हमारे मुख से निकलता है
कि किसी दूसरे ने ऐसा किया होता ना तो मुझे इतना दर्द नहीं होता, लेकिन ये मेरे अपने ने मुझे इतना दर्द दिया, मैं जिंदगी भर ये बात नहीं भूल पा रही हूँ, नहीं भूल पा रहा हूँ। कई बार नैन गीले हो जाते हैं और सुनने वाला कोई नहीं आजकल के समय में, क्योंकि सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है और हमें ऐसा लगता है कि क्या प्रॉब्लम है इसके जिंदगी की, है ना? ये सुना रहा है, मेरा टाइम वेस्ट जाएगा। आज देखिए, हमारी बहनें हैं, हमारी दादियां हैं, हमारी दीदियां हैं, आज एक एक दो दो घंटा किसी के दिल की बातों को सुनती हैं, क्योंकि जब तक उनके दिल का गुबार नहीं निकला वो हल्के तो नहीं हो सकते ना। आपको बताते हैं कि जब कोई कोर्स करने के लिए 7 डेज का हमारे पास आता है तो 7 डेज वो हमें कोर्स कराता है पहले, उसके बाद हम शुरू करते हैं, हाँ? क्योंकि अगर हमने सुनाना शुरू कर दिया वो अंदर से खाली नहीं हो पाया। किसी को पति ने धोखा दिया, किसी को पत्नी ने धोखा दिया, किसी को बच्चों ने धोखा दिया, किसी को दोस्त ने धोखा दिया, बहुत दर्द है, बहुत दर्द। अब ये परखने की शक्ति हमारे अंदर होनी तो चाहिए। अब जो घर के रिलेशन है, पति पत्नी है, सास है, ननंद है, देवरानी है, जेठानी है, आप उनसे दूर नहीं जा पा रहे, आपको वही रहना है, लेकिन परखना भी है, साथ साथ अपनी खुशी भी बना करके रखनी है कि मेरी आंतरिक शक्ति गायब ना हो। इसके लिए तो बता रहे ना कि मेडिटेशन और पॉजिटिव थॉट्स बहुत जरूरी है। अब उस इंसान को आप परख लीजिए और परखने के बाद निर्णय लीजिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये नहीं कि दूसरा वैसा कर रहा है तो मैं भी उस प्रभाव में आ जाऊं। आपको ये बता देना चाहती हूं कि जो एक अच्छा इंसान होता है, दूसरा उसको बहुत बुरा कह भी रहा है, फिर भी अच्छे को अच्छा वो अंदर से महसूस करता है। ये जीवन के अनुभव अब बोलने लगे हैं, अंदर से वो महसूस करता है, भले कितनी भी कोई बातें हो जाए। वर्तमान समय टांग खींचने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा चल रही है। किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ते हैं तो 10 व्यक्ति तो ऐसे रहेंगे ही, वो आपको एप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपकी टांग खींचेंगे, लेकिन क्या उनके कारण मैं अपने मूल्यों को छोड़ दूं, मैं अपने सिद्धांतों को छोड़ दूं? जो यूनिवर्सल वैल्यूज है, ह्यूमन वैल्यूज है, उसको मुझे नहीं छोड़ना है। कई बार लोग कहते ना कि सब तो ऐसे ही करते ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैंने देखा कि जो गलत तरीके से आगे बढ़ रहा है वो बहुत आगे चला गया और इस दौड़ में मैं बहुत पीछे रह गई, इसीलिए दिशा बदल दो। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल देता है। तो हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसा करते हैं। एक दृष्टांत याद आता कि एक बार इंडिया से कुछ केकड़े समुद्र के रास्ते से बाहर जा रहे थे, जहाज से, मतलब ड्रम में पैक थे। तो क्या हुआ कि ड्रम का ढक्कन थोड़ा सा खुल गया, तो जब वहां पर जहाज पहुंचा विदेश में, तो विदेशी जो था उसने कहा कि ड्रम का ढक्कन थोड़ा खुल गया था, तो नेचुरली कुछ केकड़े जो है वो बाहर निकल गए होंगे। तो इंडियन बहुत चालाक था, उसने कहा कि एक भी केकड़ा बाहर नहीं गया होगा, अगर एक ने बाहर निकलने की कोशिश की भी होगी तो दूसरे ने उसकी टांग खींच ली होगी, है ना? तो सब कहां होंगे? भीतर ही होंगे, अंदर ही होंगे। तो ये दुनिया में चल तो बहुत रहा है, बहुत टांग खींची जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन हमें परख लेना है उस व्यक्ति को, उस बात को,
और अपने सिद्धांतों से हमें दूर नहीं होना है, ठीक है। इसके लिए क्लियर फोकस चाहिए, क्लियर फोकस, तब आप जीवन में सही रीति से परख करके निर्णय ले पाएंगे। पार की परख लेता है, असली हीरा है नकली हीरा है। उसी प्रकार व्यक्तियों की पहचान हो, हम उनके साथ दूरी न बनाए, उनके साथ भी हमारा व्यवहार अच्छा ही रहे, अच्छे के साथ भी अच्छा रहे और जो गलत कर रहा है उसके साथ भी अच्छा रहे, लेकिन मुझे नॉलेज पूरी रहे कि ये इस तरीके से मेरी दिशा को बदल सकता है, तो मुझे अपनी दिशा धारा को बदलना नहीं है। तो तीसरी शक्ति मेडिटेशन के माध्यम से परखने की शक्ति आती है। चौथी पावर निर्णय करने की शक्ति, पावर टू जज। हम दूसरों के जज बहुत अच्छे बन जाते हैं, है ना, कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने उस समय गलत डिसीजन लिया इसीलिए ऐसा हो गया। लेकिन जब हमारे जीवन की बात आती है तो कहते हैं ना, मेरी बुद्धि काम नहीं की। जैसे आपने आत्मा का जब लेसन सुना होगा, तीन शक्तियां आत्मा की, मन बुद्धि और संस्कार। कहेंगे मेरा मन है ना आज ठीक नहीं है, इसलिए मन ठीक नहीं था ना तो मैं सही निर्णय नहीं ले पाई। तुम बताओ ना कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा आपका मामला है, आप डिसीजन लीजिए। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि बुद्धि का तार उस परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए जीवन में कई डिसीजन ऐसे हो जाते हैं जिसको करने के बाद हम बहुत पछताते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं तो एक उंगली उसकी तरफ होती है और तीन उंगली अपने तरफ होती है, यानी 1% दोषी वो है, तो कहीं ना कहीं 3% मेरी भी गलती है ना। हम कभी अपनी गलतियों को चेक ही नहीं करते हैं। जब जिस क्षण हमारी कमजोरियों की महसूसता हमें हो जाएगी और परिवर्तन करने की ताकत आएगी, तब खुशी की अनुभूति होगी। आज हमारे जीवन की सच्ची सफलता क्या है? मेरा बहुत नाम हो गया, बहुत लोग मुझे जानने लग गए, बहुत ज्यादा एक ऊंची पोस्ट पोजीशन में मैं पहुंच गई, ये है सफलता? सफलता क्या है? जब मैं अपने जीवन को पीछे पलट करके देखूं तो मैं अपने जीवन में खुश हो सकूं, अपनी लाइफ को देख करके खुश हो सकूं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए भी जी करके देखिए। लेकिन दूसरों को वही व्यक्ति कुछ दे पाएगा जो स्वयं से प्यार करता है, वही खुश हो सकता है, वही मुस्कुरा सकता है और वही दूसरों से दुआएं प्राप्त कर सकता है। कई बार कहते हैं ना, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अभी दवा काम नहीं कर रही है, दुआ करो दुआ करो। तो आपको पता नहीं चलता कि कब वो दुआएं आपको मदद कर रही हैं। आप कहते कई बार मैंने इतना किया लोगों के लिए, इतना अच्छा व्यवहार रहा, बचपन से किसी को तकलीफ नहीं दी, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला। लेकिन याद रखिएगा कि जब आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण आएगा, उस समय आपको अनुभव होगा कि भगवान ने जैसे आपको अपनी गोद में उठा लिया है। तो इसीलिए दुआएं उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो अपनी कमजोरियों का त्याग करके सही निर्णय लेकर के दूसरों को खुशियां बांटता है, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से हमारे जीवन में एकाग्रता की शक्ति के आधार पर ये अनुभूतियां स्वतः ही होती हैं।
तो निर्णय शक्ति पावर टू जज। नेक्स्ट पावर आती है पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति, है ना। जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब हम किसी को बहुत प्यार करते और वो धोखा देता है, या फिर आज हम किसी से मिल रहे हैं, अभी 2 मिनट के बाद पता चला कि वो व्यक्ति नहीं रहा। आज देखिए, कोई वस्तु ही है, उसके साथ से वो वस्तु हमको अच्छी लगने लगती है। कोई व्यक्ति है जिसको हम बहुत प्यार कर रहे हैं और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर इसलिए आपको शुरू से आत्मा का पाठ पक्का कराया जा रहा है, जिसका वर्णन गीता में है कि जब अर्जुन ने भगवान को कहा कि मैं इनके साथ युद्ध करूं, ये हैं तो मेरे अपने ही, तो भगवान ने ज्ञान दिया कि वस्त्र हैं, वस्त्रों के लिए शोक मत कर। तो अर्जुन ने कहा कि केवल ये वस्त्र हैं, जिस भीष्म पितामह की गोद में मैं खेला, द्रोणाचार्य से मैंने शिक्षा प्राप्त की, ये केवल वस्त्र हैं। भगवान ने आत्मा का पाठ बहुत पक्का कराया कि हम सब भिन्न नाम रूप रंग में पहले भी मिले थे, अभी भी मिल रहे हैं, फिर मिलेंगे। तो अर्जुन, वस्त्रों के लिए शोक मत कर। नैनम चिद्दंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। फिर एक बात और कही कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यान्य संयाति नवानि देही। मतलब आत्मा एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण करती है, लेकिन कई बार मनुष्य इस गहराई में इतना चला जाता है। निश्चित रूप से आज किसी का, है ना, युवा बेटा कोई एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, छोटा बच्चा मौत हो गई, उस परिस्थिति से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ज्ञान सुनाना बड़ा सरल है, लेकिन जीवन में किसी की घटना जब घटित होती है तो उस परिस्थिति का सामना करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए चाहिए, कई कहते ना कि हमारे जीवन में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम क्यों करें मेडिटेशन, क्यों करें पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस। इस कलयुग के समय में जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी सीन अचानक आती है, सब कुछ सस्पेंस चल रहा है। तो क्यों ना अपनी पावर पहले से ही जनरेट कर ली जाए। जैसे देखिए कि कोई ठंडे स्थान पर हम 10 लोग गए, 9 लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मुझे ही खांसी हो गई, मुझे ही जुकाम हो गया, मुझे ही बुखार हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर रेजिस्टेंस पावर नहीं थी, इसीलिए बाहरी वायरल ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और मुझे वो प्रॉब्लम हो गई। उसी प्रकार कलयुग का समय, ये विकार फुल फोर्स में चल रहे, धोखा देना फुल फोर्स में चल रहा है, और जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी अचानक आ रही है, तो क्यों ना अपनी रेजिस्टेंस पावर को पहले से ही बढ़ा लिया जाए। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता है, और ये आत्मसत्ता अच्छे संस्कारों को, अपनी पावर को वस्त्र बदलने के बाद भी ले जाती है। इसीलिए परमात्मा ने हमें ये सत्य ज्ञान दिया। तो जैसे आपको पहले बताया कि सहन कब करें और सामना कब करें, एक दृष्टांत आपको देती कि एक बार एक सन्यासी सभा में प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा, गांधी जी की बात कही,
कि एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल सामने कर देना चाहिए। तो सभा में से कुछ परीक्षा लेने वाले होते ना, ये आप महसूस कर लीजिएगा। अगर आपने ठान के रखा हुआ है कि मुझे प्रेम से रहना है, मुझे सहनशील रहना है, मुझे सरल रहना है, तो उस व्यक्ति के सामने समस्या और आती है। ये अनुभव कहता है कि कैसे भी इसकी मुस्कुराहट को गायब करते हैं, है ना, ये होता है। तो क्या हुआ कि जब सन्यासी उतरे तो एक व्यक्ति ने खींच करके उनके गाल पर तमाचा मारा, है ना। सन्यासी को गुस्सा नहीं आया, उन्होंने दूसरा गाल सामने कर दिया, दूसरे गाल पर भी उसने खींच करके तमाचा मारा, फिर भी सन्यासी शांत रहे। उस व्यक्ति ने और, है ना, आगे कदम बढ़ाया तो उस व्यक्ति ने सन्यासी जी की गर्दन पकड़ी। तो सन्यासी जी भी अच्छे हट्टे कट्टे थे, तो सन्यासी ने उस सामने वाले की गर्दन पकड़ी और उठा करके उसको पटक दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे सन्यासी जी, आप क्या कर रहे हैं, ये अभी आप ही प्रवचन दे रहे थे कि अगर एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल सामने कर देना चाहिए। तो सन्यासी ने कहा कि केवल दो गाल तक की परमिशन थी, उसके बाद की परमिशन नहीं है, है ना। तो कई बार ऐसा हो सकता है जो पहले मैंने बात बताई कि आपको कोई नैतिक मूल्यों के साथ गिराने की कोशिश करता हो, उस समय हमको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए जब सहन करना है तब सहन कीजिए, और जब सामना करना है तब सामना कीजिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पावर आती है, पावर टू कॉपरेट, सहयोग शक्ति। अनेकता में एकता, हिंदू की विशेषता ऐसे कहते हैं। हम अनेक मिलकर बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो परमात्मा ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी दी है कि बच्चे तुम्हें स्वर्णिम दुनिया की स्थापना करनी है। तो क्या स्वर्णिम दुनिया ऐसे आ जाएगी? आ जाएगी? इसी क्षण स्वर्णिम दुनिया की अनुभूति आप कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने सन्यासी से पूछा था ना, स्वर्ग नरक क्या है? जिस क्षण हम प्रेम में है वो हमारे लिए स्वर्ग है, जिस क्षण हम क्रोध में है वो नरक है, है ना। हमारे आधार पर ही, श्रेष्ठ संस्कार के आधार पर ही श्रेष्ठ संसार आएगा। आज 80 वर्ष हो रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज में, नियमित रूप से जो क्लासेस आज हमारी आदरणीय दादी जान कीजिए 100 साल की हो चुकी हैं, लेकिन 80-81 वर्षों से नियमित रूप से पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास मुरली सुनती हैं, सुना भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो ये परिवर्तन एक दिन में नहीं आएगा। आप आए हैं यहाँ, 5 दिन से राजयोग शिविर चल रहा है, एक जागृति आ रही है, जागरण हो रहा है, लेकिन जीवन में नियमितता का होना बहुत जरूरी है। बिना नियमितता के परिवर्तन नहीं हो पाता है। हम नारे लगाते हैं, हम बदलेंगे जग बदलेगा। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बदला नहीं लेना है, बदल करके दिखलाना है। अब इन सिद्धांतों के ऊपर हम कितना चलते हैं? हमारे ब्रह्मा बाबा का स्लोगन था कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। आप केवल ये स्लोगन याद रख लीजिए कि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके और करेंगे। और हमेशा समझिए कि मैं रंगमंच पर हूं, तो जैसे रंगमंच पर एक एक्टर को अटेंशन रहता है कि मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों के ऊपर गलत प्रभाव जाए, या ऑडियंस कहे कि इनकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी।
प्रेम से बोलना अच्छा गुण है कि बुरा? शांति से प्रेम से रहना अच्छा है कि बुरा? बहुत प्यार से सबको देख करके मुस्कुराना अच्छा है कि बुरा? आप अपने जीवन के आज कुछ पांच सिद्धांत तय कीजिए कि कुछ भी हो जाए मुझे इस पर चलना, एक ही ले लीजिए, केवल एक ही, जीवन सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा रोज हमारे अंदर जो ज्ञान भर रहा है और जो परमात्मा प्रेम की अनुभूति हो रही है उसके आधार पर यह संयोग शक्ति आ रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो हमारे सारे भाई बहन, चाहे साउंड डिपार्टमेंट हो, है ना, चाहे किचन डिपार्टमेंट हो, एकोमोडेशन हो, सब दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। कोई सैलरी नहीं है, लेकिन 90% देखो, थोड़ा बहुत तो जो परिवर्तन का प्रोसेस चल रहा है तो उसमें थोड़ी बातें वो कभी निकल के भी आ जाती हैं, क्योंकि कुछ पूर्व जन्म के संस्कार हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि कितने अच्छे से कार्य चल रहा है, परोसने वाले अपना परोस रहे हैं, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, पूरी सेटिंग है। किस आधार पर ये हो रहा है? सहयोग शक्ति के आधार पर। लेकिन कोई सैलरी नहीं। एक बार शिरडी से देखने के लिए आए थे यहाँ का मैनेजमेंट कि वहाँ लोगों को इतनी सैलरी दी जाती है, उसके बाद भी ऐसे टॉप का मैनेजमेंट नहीं चल पाता है। तो दादी प्रकाशमणि जी, जो हमारी भूतपूर्व मुख्य प्रशासिका थी, उनसे किसी ने पूछा था कि दादी जी, यहाँ का इतना टॉप का मैनेजमेंट कैसे चलता है? तो दादी जी ने केवल एक ही लाइन कही थी कि स्पिरिचुअल पावर इज द सीक्रेट ऑफ ऑल मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, मेंटल एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, सोशल एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन जिसको हम छोड़ देते हैं वो है स्पिरिचुअल। तो मैं चाहूंगी कि आप जो भाई बहन आए हैं, प्रेस में भी जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, वहां के, हमने एक बार किया था कि दैनिक भास्कर के ना सभी जो वहां पर एडिटर से लेके जो भी थे, सबको सेवा केंद्र पर बुलाया और लगभग वो 4-5 घंटा साथ में रहे आश्रम में, वहीं उनका ब्रह्मा भोजन रखा। तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि बहुत, जैसा आप यहाँ महसूस कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि सबसे फ्री हो गए हम, है ना। तो वो जब आप क्लासेस करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, श्रेष्ठ कार्यों में हमें सहयोगी बनना चाहिए। कई लोग कहते हैं यहाँ का खर्चा कैसे चलता है, क्या गवर्नमेंट कुछ देती है, है ना। तो ये भी बड़ी गहरी बात है कि जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। आज पूरे विश्व में 9000 सेवा केंद्र हैं ब्रह्मा कुमारी के 138 देशों में, और बहुत साधारण गरीब परिवार के भी लोग जुड़े हुए हैं। तो आज एक एक रुपए के, एक एक बूंद के सहयोग से परमात्मा का घर जो है वो चल रहा है। आज हमारे भाई बहन जो तन लगा रहे हैं वो ऑटोमेटिक धन भी लगा रहे हैं, क्योंकि मन लगा हुआ है उनका, है ना। तो तन मन धन, ये सहयोग की शक्ति पूरे सेवा केंद्र को चला रही है। हमारे हेड ऑफिस में परमात्मा का कार्य जो चल रहा है, बाकी यहाँ पर चंदा सिस्टम नहीं है। आपने देखा होगा कि सब जगह भंडारी है बाबा की, जिसके अंदर जो श्रद्धा है, सामर्थ्य है, वो परमात्मा के घर में सहयोगी बनते हैं। तो ये है सहयोग शक्ति। हा? फिर नेक्स्ट पावर आती है, पावर टू विड्रॉ। कछुए की भांति, जैसे कछुआ रहता है, कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है और कभी भी फैला लेता है। तो आप बार बार ये अनुभूति की गहराई में जाए कि मैं शांत स्वरूपात्मा, मैं प्रेम स्वरूपात्मा, इस सार का आप अनुभव कीजिए
और जब ये सार विस्तार में आएगा तो विस्तार को श्रेष्ठ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विस्तार ऑटोमेटिक श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। तो कछुए से ये गुण सीखना होगा। नेक्स्ट पावर आती है पावर टू पैक अप। अब घर जाना है ना? आज कौन कौन जाने वाले हैं? हाँ, आज सभी निकलने वाले लगभग, है ना? तो अब घर जाना है। तो देखिए, जब आप यहाँ भी आए होंगे या यहाँ से जाएंगे घर, तो देखिए जब घर से आए तो कई चीजें आवश्यक है, फ्रिज, कूलर, कार, टीवी, जो भी होगा, लेकिन आप सबको समेट के लाए? नहीं ना। जो आवश्यक था यहाँ 5 दिन रहने के लिए, उन वस्त्र को, कुछ आवश्यक चीजों को आप लेकर के आए। ऐसे ही अब परम धाम जाने का समय है। परमात्मा नई दुनिया की स्थापना का कार्य हम बच्चों के द्वारा ही करवा रहे हैं, तो अपनी अटैची और बेडिंग पैक कर लीजिए। पहले बेडिंग लेके जाते थे ना, अब केवल अटैची लेके जाते हैं, और एसी में जाते हैं तो चद्दर वगैरह भी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अटैची को कहाँ रखते हैं? अपने पैर के नीचे, है ना? बेडिंग कहीं भी रख सकते हैं, है? तो हमारे साथ भी पुण्य कर्मों की अटैची और पाप कर्मों का बेडिंग हमारे साथ ही जाएगा। अगर हमने पाप कर्म किए हैं, अगर हमने पुण्य कर्म किए हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये पुण्य कर्मों की अटैची के ऊपर चोरों की नजर न पड़ जाए। 5 दिन से आपको अनुभव हुआ होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको कहती हूँ रिजर्वेशन आप करवा लीजिए। यहाँ आए होंगे सब रिजर्वेशन करवा के आए ना, है ना? क्यों क्यों रिजर्वेशन करवा के जनरल में बैठ के आ जाते हैं? नहीं, आ तो सकते ही थे, क्यों कराए रिजर्वेशन? आराम से आए ना। तो कहते हैं सफर में होती है शिकायत, इसलिए रेलवे में भी रिजर्वेशन होती है। परंतु कुछ तो करो इस सफर के लिए जिसमें ना कोई टिकट और ना ही कोई रिजर्वेशन होती है। तो एसी में कराना है, एसी 3 में कराना है, एसी 2 में कराना है, एसी 1 में कराना है, स्लीपर में कराना है, चॉइस आपकी है। एसी 2 में या एसी 1 में जाएंगे? आराम से जाएंगे। तो ऐसे कई लोग होते हैं कि ट्रेन छूटने के 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं, कई ट्रेन छूटने के 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, कोई दौड़ते दौड़ते ट्रेन पकड़ लेते हैं, और कई ट्रेन छूट जाती है तो देखते रहते हैं कि ट्रेन जा रही है, है ना? तो शिव बाबा आ चुका है और इस सफर की तैयारी हमें करवा रहा है, इसलिए सौगात तो दी आज आपको अष्ट शक्तियां, और साथ ही इस सफर के लिए भी रिजर्वेशन जरूर करा लें। तब हम सब एक साथ, कौन, ये शरीर नहीं, कौन, आत्मा, स्वर्णिम दुनिया, नई दुनिया, जो भारत देश का गायन आता है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो ऐसा न हो कि हम लास्ट में ये कहें कि ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। हा? तो इसीलिए हमारी दादियों ने, खास शिव बाबा ने, हमारी दादियों ने आपको यहाँ पर बुलाया, और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि आप साधारण तन में आए हुए उस परम शक्ति को यथार्थ रीति से पहचान कर अपने जीवन को दिव्य बना लें। तो अंत में यही कहती हूँ कि एक ज्योति है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है, सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हुजूर एक है, हर मानव माटी का पुतला जीवन का आधार एक है, गहराई तक जाकर देखो हर धर्मों का सार एक है, एक वाहेगुरु, एक परमेश्वर, गॉड और अल्लाह एक है, नाम भले ही अलग अलग हो भक्तों के भगवान एक है, नाम रूप की बात छोड़ दो इंसानों की जात एक है, मन से मन की तार जोड़ लो सीधी सच्ची बात एक है। हा? तो चलिए अभी हम पुनः 2 मिनट
परम पिता परमात्मा की याद में खोते हैं प्रभु प्रेम की अनुभूति की ओर, क्योंकि प्रेम ऐसा गुण है जो प्रेम मेरे जीवन को सशक्त बनाता है। आस्वत ही ये अष्ट शक्तियों की अनुभूति हम करते खो जाते हैं। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे, हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में अपनी सूरत तेरी सूरत से मेल खाती है, हमें दुनिया से अलग दुनिया ये नजर आती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे मस्ती रूहानी में रंग गए सारे, मस्ती रूहानी में रंग गए सारे, लगे पंख आज कितने उमंग भरे जैसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे, हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में। परमात्मा हमारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत हमसे हमारी शक्ति को छीन नहीं सकती। भगवान हमारे साथ है, हमारे साथ। ओम शांति।